चल बाहर निकल। क्या रहा है तू? सूप जा रहा हूँ। तो जा, तुम ढूंढ चुके पाकर। मापू के बिना सोने की आदत नहीं है और आज हमारे पास सोने के लिए जगह भी नहीं है। ये छोटी सी रेलगाड़ी पटरी से उतर के कहाँ चली गई? राजवर तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। मोनू, मोनू बिटुआ, मोनू, मोनू बिटुआ, ऐ गुल्लू, कहीं एक बार फिर से अपहरण तो नहीं हो गया? जब तक तुम्हारे हाथ से ये कांच का टुकड़ा नहीं निकलता, ये खून नहीं रुकेगा। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं, और अगर यहाँ से नहीं गई ना तो धक्के मार के निकल दूंगा। अच्छा, मारो धक्का, बस अब वही कसर बाकी रह गई है, वो भी पूरी कर दो। मापू, ये सामान काहे पैक कर रही हो? हम ये गांव छोड़ के जा रहे हैं मिश्री। और अगर हम गाँव छोड़कर चले गए तो मापू और रुके मंगल को कैसे मिलाएंगे? आप बच्ची के साथ वर्किंग वुमन हॉस्टल में नहीं रह सकते, ये अकोमोडेशन सिर्फ आपके लिए ही है। मिश्री मेरे साथ रहेगी ना? 1, 2, 3। ये बॉक्स में क्या लेकर आया? आपकी एंगेजमेंट है तो मैंने सोचा थोड़ा डेकोरेशंस का सामान ले आता हूँ, बस वही है। ऐसा क्या डेकोरेशन है, जरा मैं भी देखती को अखिलेश के सामने नहीं आने देना। हाँ, पक्का पक्का। तुम तो मोम की गुड़िया हो, जो एक दिन नाश्ता नहीं करोगी तो अच्छा पिघल जाओगी। Did you hear that? ग्लू बेटे को ये गोलियां खिलानी है। मैंने तुम्हारे लिए खास बादाम का दूध बनाया है। नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुनिका के साथ शादी करके मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ? ये छोटे से बच्चे ने हमें गुल्लू को चोट लगने से बचाया। आपकी जान बचाने वालों को दिल से धन्यवाद नहीं करेंगे तो भगवान आपको नरक में भी जगह नहीं देंगे। कहाँ से सीखा ये? पिछली मेरी गोद ली हुई बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है, अखिलेश की और मेरी बच्ची है। डॉक्टर साहब, का बात है? उंगली की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। इसी उंगली में तो अंगूठी पहनाई जाती है ना सगाई माँ। ये क्या हुआ? तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? रुको, उधर देखो तुम। हे भगवान, किसी ने मिश्री को पहचान तो नहीं लिया? हमें ना ये वीडियो कैसे भी करके मामू को दिखानी होगी। वंश, क्या हुआ? उठो। आउच दी, आपको पता है ना सर पर चोट लगने की वजह से ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ओ कम ऑन, तुम कहाँ पे सर पर गिरे? लेकिन गिर जाता तो? डोंट एक्ट टू स्मार्ट विद डी। ये लो तुम्हारा फोन, देखो ये हैमरेज नहीं हुआ है। अंकल, मामू, हमें कुछ दिखाना है आपको। हाँ अंकल, हमें कुछ दिखाना है आपको। कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, ये समय परेशान करना जरूरी है क्या? ये कैसी चीज है जिसे आप देख के शौक हो जाओगी इस तरह? ओवर एक्टिंग की दुकान में ऐसा शौक नहीं होता, क्या है बताओ? अभी दिखाता हूँ मामू। हाँ वंश, दिखाना अंकल को। शौक मुझे होना था या तुम्हें? हाँ वंश, दिखाओ ना अंकल को। अरे जो दिखाना था वो तो डिलीट हो गया। डिलीट हो गया तो जाओ और मेरा काम करने दो, मुझे जाओ यहाँ से। चलो।
अरे ऐसे कैसे वीडियो डिलीट हो सकता है? हमका तो लगता है तुम ना रिकॉर्ड का बटन ही दबाना भूल गए होंगे। एक काम नहीं होता तुमसे। ओ हेलो, मैंने रिकॉर्ड किया था, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। Like seriously, I don't believe this. तुमने सारी सच्चाई उस मोनू को बता दी? Like seriously, you told him that तुमने वो मार्बल्स फेंके थे? What the hell were you smoking? Dee, just relax. बच्चों पर थोड़ी विश्वास करेगा अखिलेश? Of course, क्लू बेटा उन बच्चों पर विश्वास करेगा, क्योंकि जब तुम मिस्टर हरिश्चंद्र की डॉटर इन लॉ बनकर उस मोनू के सामने सारी सच्चाई उगल रही थी, तब मेरा इकलौता ग्रैंडसन वंश पांडे वहां यहाँ इस खिड़की के बाहर तुम्हारा कन्फेशन इस तरह रिकॉर्ड कर रहा था। Are you serious? Yes. This is just not happening. मतलब अखिलेश को सब पता चल गया? Thankfully no. मैंने डैमेज कंट्रोल किया है। मैंने अपने इकलौते ग्रैंडचाइल्ड को जाकर टक्कर मारी, जानबूझकर मोबाइल गिराया उसका, और फिर मोबाइल उठाकर उस वीडियो को डिलीट कर दिया। हमें इस घर में ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। अब तो आप हमारे साथ ही रहोगे ना? अब दवाई आ गई। माजी। बहादुर, तुम्हें कैसे पता चला अम्मा को कौन सी दवाई देनी है? सहस्त्रों वर्षों से मैं इस प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी, अब उसी अग्नि में हमारा परम शत्रु विष्णु जलेगा। चलो बहना, हम सब मिलकर विष्णु के उस परम अवतार श्री कृष्ण का अंत करते हैं। वराह तथा नरसिम्हा शक्ति से हुए पराजय हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप इस बार अपनी बहन होलिका संग लेने आते हैं श्री कृष्ण से प्रतिशोध। हमें तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, कभी नहीं था, हमारा बस एक लगाव था तुम्हारे लिए, और ये बात हम कभी भी समझ नहीं पाते अगर समीर हमारी जिंदगी में नहीं आया होता तो। अग्नि ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर ही दम लूंगा। रूल्स तय किए ना हमने, क्या था रूल नंबर 1? यही था ना कि तुम चिपकोगे नहीं, टच नहीं करोगे। आगे देखिए कैसे सामना करेंगे देवता वानासुर के अत्याचार का, और देवी पार्वती के मछुआरिन बनने के पश्चात उनके समक्ष खड़ी हुई विडंबना विवाह की। मछुआरों, ये पार्वती के हाथ में जो कच्चा घट है, ये जिसके भी सम्मुख टूटेगा वही पार्वती का पति होगा। महादेव आके खोलिए और इस अनर्थ को रोकिए। महादेव, अब क्या करेंगे महादेव? हमारे तुम्हारे रास्ते बिल्कुल अलग है, इसलिए तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जा रही हूँ अपने रास्ते। प्लीज आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? अच्छा ये बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं तो जोधपुर जा रही हूँ। मुझे भी जोधपुर ही जाना है। मेरे हाथ का बना हलवा खाकर ना माधव कैसे जल्दी से खुश हो जाएगा। बचपन में तो पूरी कटोरी चट कर जाता था और मेरा भी छीन के खा जाता था। तुझे मैं बचपन वाला माधव बना के रहूंगी दोस्त। किसी को दिखे अल्लाह, किसी को दिखता रब, मुझको दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव। अभी जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। I love you. आए अभी जी प्लीज। डोंट अभी जी। ओह माय गॉड, बचाओ।